सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर, हमारा नाम माय नेम इज सैमुअल। वेरी रिलैक्स, सी यू नॉट फॉर माइंड। तो गाइज आप लोगों को इस वीडियो में मैं 5 टिप्स देने वाला हूं हाउ टू रीच एस डोमिनेटर इन BGMI। भाई साहब BGMI सोच सकते हो ना, वही हैकर। तो गाइज इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि हम लोगों ने टीम अप किया था, फिर लास्ट में पैन फाइट किए थे। साथ में जो लोग एस डोमिनेटर जाना चाहते हो रैंक पुश करके BGMI में, तो वो इस वीडियो को पूरा देखे। और साथ में देखो ये मेरा अकाउंट है और मैं अभी एस डोमिनेटर पहुंच गया हूँ गाइज। सो अभी आप लोग 5 टिप्स फॉलो करो, अगर मैं जा सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो 5 टिप्स में से पहला टिप्स जो है गाइज इसको फॉलो करना। तो पहला टिप्स है नो अर्ली फाइट्स। सो गाइज हर मैच में आप लोग जॉर्ज पूल मिलिट्री बेस में उतर के वहाँ पे आप फाइट लेके सीधा एस डोमिनेटर नहीं कर सकते हो, ये संभव नहीं है भाई। हाँ KDB भी मेंटेन कर सकते हो, उसका भी मैं टिप्स देने वाला हूँ, मगर पहले ये सोचो कि पहले आप लोग फाइट नहीं ले सकते हो भाई। पहला 4th जोन तक आप लोग को टिके रहना है भाई, कैसे भी करके टिके रहना है, जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है। और अगर अब अर्ली फाइट्स लेके मर गए तो ऐसे दिखने में लगोगे भाई। देखो पॉइंट नंबर 2 आता है पेशेंस। सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, विदाउट पेशेंस कोई काम तो आपको हासिल नहीं होता है। वैसे यहाँ पे भी आप अगर एस डोमिनेटर करना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि देखो पहले अगर आप कहीं पे उतार के मर गए तो आपको वैसे भी -45-46 तो लगने वाला है। तो ऐसा अगर 2-3 बार लगे सोचो आप तो गेम खेलना ही छोड़ दोगे भाई। बहुत सारा बंदे होता है कि देखो उनको मिलता है 30 मिनट खेल के +1 +2 +3, ऐसा लगता है एस मास्टर के बाद। अगर वहीं पे आपको 2 माइनस लग गया -45 करके, तो वो बंदे लोग क्या करता है, छोड़ ही देता है मैच खेलना भाई। मगर आप अगर पेशेंस रख के खेले, धीरज रख के खेले, और जब भी माइनस लगता है भाई मैं बोलूँगा थोड़ा ब्रेक ले लो, 2-3 घंटे के लिए ब्रेक ले लो, फिर खेलना स्टार्ट करो। तो ये जो पेशेंस है, इसी पेशेंस की वजह से आपको मिलने वाला है एस डोमिनेटर, जैसे मुझको भी मिला है भाई। अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज 2-3 किल्स पर मैच करना है भाई। पर मैच में 2-3 किल्स चाहिए। अगर आपका किल पॉइंट 0 रहा ना तो भाई आपको प्लस नहीं मिलने वाला है, टॉप 2 तक भी नहीं मिलने वाला है, वहां पे भी आपको जाके 0 दे सकता है। तो आपको एक तो किल करना ही होगा, साथ में 2-3 किल्स करोगे तो अच्छा सा थोड़ा सा प्लस पॉइंट लग सकता है। मगर यहाँ पे एक दिक्कत है गाइज, यहाँ पे बॉट नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। बॉट ढूंढते ढूंढते ना मेरे जैसे बन जाओगे, देखो ऐसे बन जाओगे। बॉट कहाँ है, कहाँ है बॉट? पॉइंट नंबर 4 आता है गाइस टीममेट्स। आपके पास ऐसा स्क्वाड, ऐसा टीममेट्स होना चाहिए जो लोग भी रैंक पुश करना चाहता है, एस डोमिनेटर जाना चाहता है। रशर्स के साथ आप लोग खेल के एस डोमिनेट नहीं कर सकते, आपको ऐसा टीममेट्स होना चाहिए जो कि रैंक पुश करना चाहता है। वो लोग तो रैंक पुश करेगा, साथ में आपको हेल्प भी करेगा। अब देखो यहाँ पे 2 सीन क्लियर होता है, एक मैंने बोला था कि बॉट नहीं आने वाला है, 2 KD मेंटेन, तो दोनों क्लियर कर देते हैं। देखो आप अगर ऐसे बंदे के साथ खेलते हो जो कि थोड़ा सा सोचो सिल्वर में है, गोल्ड में है, अगर उसके साथ खेलते हो तो उसके वजह से वहाँ पर बॉट आएगा। अब तुम उसको रिक्वेस्ट करके वो बॉट मार के एक किल उठा सकते हो पहले ही। तो मैंने तो ऐसा ही मेरे स्क्वाडमेट्स को रिक्वेस्ट किए थे, जैसे रोनॉक है मेरे स्क्वाड में, राहुल है मेरे स्क्वाड में, आकाश है मेरे स्क्वाड में, इनको मैं रिक्वेस्ट करता था कि भाई मुझे एक बॉट मारने दे पहले, तो पहले एक किल वो लोग मुझे दे देता था। अब कैसे मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करता था मैं देख लो एक बार, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। एक बॉट मारने दे भाई, एक बॉट मारने दे। तो मैं अपने टीममेट्स को ऐसे रिक्वेस्ट करके तो मार देता था बॉट, एक किल उठा लेता था। उसके बाद जब लास्ट जोन में जाता था ना, मीन्स 5th-6th जोन में जाके फाइट लेता था, तो वहाँ पे जाके भी 1-2 किल्स उठाने की कोशिश करता था। अब यहाँ पे आप लोगों को KD मेंटेन होने वाला है। देखो भाई लास्ट में जाके फाइट लो और सीरियस फाइट लो, वहाँ पर अगर 2-4 किल्स कर लिए ना तो वहाँ पर भी आप लोगों को KD मेंटेन हो जाता है। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो रैंक पुश करना है ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइज 5th नंबर पॉइंट आता है कि गैस कैन एंड 1 कार ट्रिक। तो ये ट्रिक बहुत काम करता है, इसके वजह से आप लोगों को ना प्लस मिलता है। तो कैसा होता है देखो, आप लोगों को क्या करना है, एक ही कार यूज़ करना है, वो डार्सिया हो सकता है या तो वो बागी हो सकता है, तो जो भी है जो भी यूज़ करना है एक ही करना। और आप लोगों को क्या करना है, इसके साथ आपको करना है कि गैस कैन उठाना है और एक साथ 4-5
गैस कैन यूज़ करो और उसी कार को लेके आप घूमते रहो भाई, इधर उधर घूमते रहो, रोटेशन मारो, मगर घूमते रहना होगा और उस कार को यूज़ करना होगा। आप लोग अगर कोई कोई बंदा है ना कि ऐसा करता है कि बैंडेज मार के जोन के बाहर रहता है, उससे प्लस नहीं मिलता है, आप लोग क्या करना होगा, गैस कैन उठा के 4-5 गैस कैन एक ही कार में यूज़ करना होगा और आपको घूमते रहना होगा। एक जगह पे बैठे रहोगे तो प्लस नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा सा ट्रिक है, इसको यूज़ करके आप लोगों को ज़्यादा प्लस मिल सकता है और आप लोग एस डोमिनेटर कर सकते हो। इसके साथ गाइज आप लोगों को वो 5 टिप्स भी फॉलो करना है जो मैंने एस मास्टर तक जाने के लिए बनाया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वो भी देख लेना गाइज। वो 5 टिप्स और यहाँ का 5 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करके आप लोग एस डोमिनेटर तक जा सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइज ये था मेरा 5 ट्रिक्स जो मैंने तो फॉलो किए हैं और इस डोमिनेटर तक पहुंच भी गया हूं। आप लोग भी ये ही फॉलो करो, साथ में और भी 5 ट्रिप्स का लिंक्स देते हैं। उस लिंक पे मैंने बोला था कि इस मास्टर्स तक जाने के लिए क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, तो आपको वो भी फॉलो करना है। तो 10 ट्रिक्स टोटल आप लोग फॉलो करो और पहुंच जाओ इस डोमिनेटर। सो गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए था जो रैंक पुश करना चाहते हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो गाइज ये जो टोटल 10 ट्रिक्स है इसको फॉलो करो और फिर आके यहाँ पे कमेंट करो कि कुछ अच्छा तुम्हारे साथ हो रहा है कि नहीं, आप लोगों को प्लस मिल रहा है कि नहीं, आप लोगों का रैंक कुछ हो रहा है कि नहीं। सो गाइज बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बी सेफ एट होम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।